गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब आप? आज हम जा रहे हैं अपने निंजा बाइक की सर्विस करवाने, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी तो हम इसकी सर्विस करवाने के लिए जा रहे लग रहे हैं। तो देखते हैं इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी। तो इसमें पैसे तो ज़्यादा लगेंगे, लेकिन ऐसे निकल रिपेयर हो जाएगा। कल आप आपको बताएंगे कितना क्या लगेगा। अच्छा, हमको सिखा रहा है। हेलो गाइस, वैसे कि हमने आज हमने फाइनली अपने बाइक की सर्विस करवा ली है। इसकी कॉस्ट प्राइस आई है, अगर हमें एयर फिल्टर साथ में डलवाते हैं इसका, तो इसकी 8,500 सर्विस पे लगते। तो आज हमने इसका मतलब एयर फिल्टर तो उन्होंने क्लीन कर दिया था, वैसे ऑयल फिल्टर नया डाला है उसने, ऑयल फिल्टर नया डाला है और एयर फिल्टर नहीं डाला, क्योंकि एयर फिल्टर की कैपेसिटी अभी तक बची हुई है। उन्होंने कहा था कि अभी ठीक है। तो इसमें खर्चा आ गया 6,500 रुपये का, लेकिन मैंने उसे भाई को 6,000 रुपये ही दिए हैं। तो उसमें माटुल का तेल डलवा लिया, दो जो कि दो डब्बे डले हुए हैं, लेकिन उसके बाद ये बाइक के साउंड और सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा ठंडा हो गया है, मतलब कूल हो गई है। पहले तो बहुत ज़्यादा अजीब ही आवाज़ थी, तो फिर मैंने सही कर ली है, मतलब सर्विस करवानी ज़रूर थी। तो यह सुबह गए थे हम 6 बजे यहाँ से, उसके घर पे ही करवा लिए। तो करवाने के बाद हमने वहीं पे बैठे रहे, तो उस भाई ने कर दिए सारा तो क्लीन, चैन वगैरह भी क्लीन कर दिए है, आप देख सकते हो। अब इसकी सिर्फ वॉश रह गई है, ये चैन कितनी मतलब बिल्कुल नहीं कर दी है उन्होंने, करने के बाद ही भी इसकी वॉश होगी, वॉश होने के बाद ये बिल्कुल चमकनी शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हो, तो मेरा साथ में भांजा भी गया हुआ था, कैसा लगा इतना जा कर वहाँ पे? अच्छा ही लगा, बहुत अच्छा। कौन सी बाइक देखी इतने? अच्छा, बस यही देखी? तो इतनी बाइक इन्होंने बहुत ज्यादा बाइकें देखी वहाँ पे, 3-4 बाइकें आई हुई थी, तो इसलिए सही हो गया। तो अभी इसे जो सर्विस करवाऊंगा मैं 7,000 रुपये करवाऊंगा, क्योंकि इसकी सर्विस एक बार करवाने के बाद 6-7,000 किलोमीटर चल जाती है। तो चलो अब देखते हैं फिर कौन सी है, और फिर मिलते हैं दोबारा आपसे। अब ये बिल्कुल सही हो गई है, क्योंकि डर लग रहा था कहीं इंजन में दिक्कत ना हो जाए। अब मस्त चल रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और आवाज़ भी आ रही है, अब तेज़ भी चलेगी। चलो मिलते हैं, आज का व्लॉग हम यहाँ पर ही
समाप्त करते हैं। और एक बार से फिर मैं कह रहा हूँ, जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिले। जिन भाइयों ने कर रखा उनका सह दिल से धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आएगी। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग्स में।